ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जिसकी आंखों की रोशनी मात्र 2 महीने की आयु में चली गई हो और उसे 22 भाषाओं का ज्ञान हो और तकरीबन 80 ग्रंथों की रचना उसने अभी तक कर दी हो। टाइटल और थंबनेल देखकर आप चीजें समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य की। अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा ही खराब हुआ है कि लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें करना शुरू कर दी है, लेकिन आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति गिरिधर मिश्र से जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी बन गए। देखिए, रामभद्राचार्य जी का जन्म आज से तकरीबन 74 साल पहले उत्तर प्रदेश के सांडी खुर्द में हुआ था, जो जौनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 14 जनवरी सन 1950 ये वो डेट मानी जाती है जब श्री रामभद्राचार्य जी का जन्म हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि इसके ठीक 2 माह बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। 2 महीने की उम्र में आंखों की रोशनी जाने के बाद मात्र 4 साल की छोटी सी उम्र में रामभद्राचार्य जी ने कविताएं करना शुरू कर दिया। आज जब हमें छोटे बच्चे कोई पोयम सुनाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने मात्र 8 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा लोगों को सुनाना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब रामभद्राचार्य जी यानी गिरिधर मिश्र की कुछ ऐसी स्मरण शक्तियों को लोगों ने पहचाना जो सामान्य व्यक्तियों में कम ही पाई जाती है, और रामभद्राचार्य जी की कुछ ऐसी ही रचनाओं के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण के अलावा भी उनके पास कई ऐसी उपाधियां और कई ऐसे सम्मान है जिनकी गिनती हम नहीं कर सकते। क्या आपको पता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट रामभद्राचार्य जी का हमारे सामने निकल कर आता है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई, जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वो रामभद्राचार्य जी की चचेरी बहन मानी जाती है, और मीराबाई ने अपनी कविताओं में भगवान श्री कृष्ण को गिरिधर नाम से पुकारा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि रामभद्राचार्य जी का बचपन का नाम गिरिधर मिश्र था। 24 जून सन 1988 ये वो दिन था जब पंडित गिरिधर मिश्र का अयोध्या में काशी विद्युत परिषद द्वारा अभिषेक किया गया, और तब से ही पंडित गिरिधर मिश्र जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कहलाने लगे। क्या आपको पता है, रामभद्राचार्य जी की प्रसिद्धि 2 इंसिडेंट्स के कारण हुई है। पहला इंसिडेंस तब हुआ जब राम जन्मभूमि विवाद में रामभद्राचार्य जी से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा कि भगवान श्री राम के जन्म के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण दीजिए। तब उन्होंने अथर्ववेद के 10वें अध्याय के 31वें अनुवादक के 2 मंत्र का हवाला देते हुए ये कहा कि भगवान राम का जन्म यही हुआ है, और उन्होंने जैमिनीय संहिता का भी उदाहरण दिया। दूसरा इंसिडेंस तब माना जाता है, उन्होंने हनुमान चालीसा में 4 अशुद्धियां निकाली। उनके इस बयान को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और कुछ लोग उनके खिलाफ रहे। लोगों ने अलग अलग वैदिक प्रमाण दिए कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कौन सी और कितनी सच्चाई है, इस चीज का पता अभी तक हमें नहीं चल पाया है कि हनुमान चालीसा में सच में अशुद्धियां हैं कि नहीं है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के साथ में हमें रामभद्राचार्य जी की एक चीज पता चलती है कि ना वे पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि ना ही वे ब्रेल लिपि का प्रयोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं। वे चीजें सुनकर याद रखते हैं और लिपिकार या लेखक के माध्यम से बोलकर अपनी किताबों की रचना करवाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।